दोस्तों नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल चीकू फौजी डॉग लवर में आप सभी भाई को स्वागत है। भाइयों राम राम। आज एक भाई के द्वारा पूछे हैं, भाई सब पूछें कहाँ पाए हैं। यहाँ पर एक ही छत के नीचे कम से कम 20-30 से ज़्यादा डॉग हैं जिन भाई से बात करेंगे, अलग किस किस वीडियो में काम करें सभी भाई से पूछा जाएगा। पहले तो भाई को नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ सर जी, अपना एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दो जो ऑडियंस को पता लगे कहाँ से कैसे क्या बोल रहे हैं। जी मेरा नाम अनिल कुमार है जी, और गंगानगर मेरठ मेरी लोकेशन है। अच्छा जी। अच्छा, यहीं पर मैंने डॉग रखा था। तो सर जी, आप को डॉग का शौक कहाँ से लगा था? ये डॉग का शौक तो हमें बचपन से ही है, गांव से ही लगा था। गांव में लोग पालते थे जी जी, तो उन्हें देख कर हमने भी पाले। अच्छा अच्छा। पालने के साथ साथ लगभग 20 साल हो गए जी जो हम डॉग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो और मेरा ये क्वेश्चन है, सबसे पहला किस डॉग ने फेमस करा कि भाई अनिल भाई कौन है, कैसा डॉग कौन सा लाए थे आप? सबसे पहले हमें हमारी घर की ब्रीडिंग का ही बच्चा था जी जिसने फेमस करा जी, जर्मन शेपर्ड ब्रीड में हम फेमस हुए। अच्छा। पालते तो काफी दिन से हम, पहले लैब्राडोर पालते थे जी जी जी। आज भी लैब्राडोर भी है हमारे पास, गोल्डन रिट्रीवर है, जर्मन शेपर्ड है, सिट्ज़ू है। बहुत अच्छा। ये चार ब्रीड पालते हैं अब भी। हाँ ओके। तो जर्मन शेपर्ड से आप फेमस हुए थे? जी जर्मन शेपर्ड से हम फेमस हुए। तो जैसे आप जैसे आपका डॉग से अलग क्या बिजनेस है? या जी डॉग से अलग तो और बिजनेस हमारा ये है, भाई ट्रांसपोर्ट का है जी, और अपना खेती है जी जी जी। ये एक किसान ही है मैं। अच्छा, मतलब भाई आप किसान हो, ठीक है ना? एक किसान भाई के पास इतने सारे डॉग हैं, ठीक है जी। तो जैसे आपको किस ब्रीड में मेहनत में मजा आया? जैसे आप इस टाइम भी चार ब्रीड कर रहे हैं या चारों में ही मजा है या क्या है? बेस्ट तो हमारी जर्मन शेपर्ड ब्रीड है जी जी। उसकी हर बात अलग है जी, और विश्व का जर्मन शेपर्ड एक ऐसा डॉग है जो पूरे विश्व में नंबर वन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इस डॉग के बारे में बात करेंगे आपसे, इस डॉग की लाइन क्या है सर जी? इसकी डॉग है ये मामट की लाइन से है। अच्छा। हाँ, इसका फादर भी मेरे पास है। अच्छा जी। और ये मेरा घर की ब्रीडिंग का ही बच्चा है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, गोल्डन रिट्रीवर सर जी। तो इसकी स्टड वगैरह चला दिया आपने? हाँ जी, स्टड। तो और बेबी वगैरह आ रहे हैं? हाँ जी, बेबी। तो अगर कोई भाई आपसे मैटिंग के लिए संपर्क करना चाहता हो या बच्चे के लिए, तो कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी। बताओ। मेरा नंबर है 9760 जी 434897। बहुत अच्छे जी। सर जी, सर किसी भाई को अगर गोल्डन रिट्रीवर में मैटिंग लेनी हो, पप्पी लेना हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरठ इनकी भैया की गंगानगर की लोकेशन है, और मैंने मेंशन कर दूँ भैया का नंबर, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस टाइम पर आपके पास किस किस ब्रीड के में स्टड है आपके पास? मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है जी, जर्मन शेपर्ड है, स्टड लैब्राडोर है, स्टड और सिट्ज़ू है। तीन चार ब्रीड के स्टड है मेरे पास, चारों ब्रीड के। भैया साहब, चारों ही ब्रीड में स्टड के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैं चारों स्टड दिखाने की कोशिश करूँगा हो सका तो, ठीक है ना? भाई के पास डॉग तो काफ़ी हैं जी, ठीक है जी, पर बस स्टडी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और जैसे सर जी, आप उन ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? आजकल कह देते हैं जी, ट्रेडर का फ़ोन आता है, सर जी मंदा कर लो, ये कर लो, तो उनके लिए कोई संदेश है जिन्होंने हमारी डॉगबाजी को डाउन करा दिया खुद? उनके लिए संदेश ये है कि भाई ब्रीड सुधारो जी, और ब्रीड पे काम करो, इस तरह से गंद मत फैलाओ। बिल्कुल। क्योंकि गंद फैलाना एक गलत बात है जी जी जी, और अच्छी जेन्युइन चीज में ही आप काम करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पालने वाले कस्टमर को भी उसका लाभ हो। बिल्कुल। तो जी, आप इसे शो वगैरह में ले जाने की इच्छा करोगे? हाँ बिल्कुल, शो किया हमने जी, दो जगह लड़ा है शो में। अच्छा, लड़ा है? हाँ दो जगह लड़ा। बहुत अच्छी, दोनों जगह लगा है, एक जगह पहले स्थान पर लगा, एक जगह सेकंड लगा। बिल्कुल जी। डॉग की भी बोन देखो जी कितनी सुंदर है, हेड भी सुंदर है, हेयर भी थोड़ा इसलिए फॉल हो रहा है इस टाइम पर थोड़ा, तुम्हें पता है डॉग इस टाइम फॉल ही कर रहा है, अब आने लगेगा आराम से, ठीक है जी। और दूसरा स्टेट दिखाने की कोशिश करेंगे भैया का, मंगाएंगे, ठीक है। पर ये गोल्डन रिट्रीवर देखो जी, भाइयों ये देखो जी, दो लैब्रा के डॉग हैं भैया के पास, ये भी स्टड है, दोनों के बारे में बात करेंगे भैया से, अनिल भाई से। अनिल भाई,
इस डॉग के बारे में बताओ, ये किसका बच्चा है, कैसे? ये डॉक्टर डीपी सिंह वाले लोकी का बच्चा है। अच्छा जी, हाँ जी। ये देखिए बड़ा शानदार डॉग है जी। और ये वाला डॉग जी, ये राजा का बच्चा है डायरेक्ट। हाँ जी, बहुत अच्छे जी। भैया के पास दोनों ही लैब्रा में सुपर चीज है, एक राजा का बच्चा है, एक डॉक्टर डीपी सिंह की लैन का बच्चा है जी। देखो जी बड़ी शानदार है। तो सर जी इनके भी पप्पी वगैरह तो आ रहे होंगे ना? हाँ जी। तो इनकी भी मैटिंग चल रही है जी। तो सर जी कोई भी भाई भी इनमें इनकी मैटिंग के लिए भी संपर्क कर सकता है अनिल भाई से। अनिल भाई का मैं नंबर मेंशन कर दूँगा, गंगानगर मेट में रहते हैं, ठीक है जी। बड़े ही प्यारे डॉग हैं ये देखो कितने सुंदर डॉग है जी। हेड देखो, बोन देखो, प्यार से देखो कितना। ये देखो जी राजा की लैन का, देखो जी बच्चा जी कितने जी हुए हैं, ठीक है जी। अभी थोड़े से कंडीशन से आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। आ जाएंगे सब कंडीशन में, अब शो के लिए भी तैयारी की स्टार्ट करेंगे भैया, ठीक है जी। अब भैया के पास एक जर्मन शेफर्ड का स्टड बता रहे हैं, एक शिट्ज़ू का स्टड बता रहे हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये देखो जी भाई के पास जर्मन शेफर्ड, शानदार डॉग लगा जी। भाई से पूछते हैं किसका सन है, क्या है जी। बिल्कुल ब्लैक मास्क, ठीक है जी। बहुत सुंदर डॉग लगा जी, देख के दिल खुश हो गया जी डॉग भाई को। ये देखो सुंदर डॉग है जी, बहुत शानदार डॉग है। अनिल भाई ये किसका बच्चा है जी? ये मैक्स का सन है, गुरविंदर सर वाले का जी, गुरविंदर भाई वाले का सन है मैक्स का। और इसकी मदर जो है वो जैनोस डॉटर है। अच्छा, तो ये किसके यहाँ लेटर आया था? ये हमारे घर पे घर की ब्रीडिंग है। अच्छा, आपने उससे हाँ, मैटिंग करा के लाए थे? मैटिंग करा के लाए थे हम जी जी। गुरविंदर भाई वाले से घर का बच्चा है, और ये पिछली बार 5 जगह लगा है। अच्छा, सो गया था। तो एज समथिंग क्या हो जाएगी इसकी? एज अब के फरवरी मार्च में ऐसा हो जाएगा, कोई 2 साल के आसपास। 2 साल का आसपास। वेरी गुड। तो इसकी भी मैटिंग अगेन सब स्टार्ट? हाँ जी, मैटिंग बेबी आ रहे हैं जी। ये देखो जी शानदार डॉग है जी, मेरठ के अंदर जर्मन शेफर्ड का मैक्स का सन जी, ठीक है जी। गंगानगर में कोई भी भाई गंगानगर के आसपास का हो, मैटिंग के लिए भाई से संपर्क कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है जी। डायरेक्टली एक पंजाब में डॉग होता था जी मैक्स, ठीक है जी। बहुत फेमस डॉग रहा है, ठीक है जी। बहुत ही सुंदर डॉग था जी, है वैसे वो अभी भी है, पर लेकिन इस साल थोड़ा शो में नहीं दिखाई दे रहा भाई जी। उसका सन है, देख सकते हो कितना प्यारा। बोन हेड डार्क ब्लैक मास्क, जो कहते हैं आजकल डिमांड लिए ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क। देखो ईयर, देखो बिल्कुल ईयर बिल्कुल सुपर है जी, ठीक है जी। हेड थोड़ा चाइना टाइम में जा रहा है, बड़ा हेड हो रहा है डॉग का जी, कितना बड़ा हेड है देखो जी। दोस्तों इसके लिए भी भाई के से संपर्क कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। गंगानगर में रहते हैं भाई। ये लो जी दोस्तों, भाई के पास जी डिफरेंट डिफरेंट कलर के 3 शिट्ज़ू स्टड भी हैं, ठीक है जी। ये देखो जी भाई से स्टड के पप्पी मैटिंग जो भी संपर्क करना है वो भी कीजिए। ये इनकी कुछ लैन वगैरह पता है अनिल भाई? हाँ। क्या क्या लैन है? ये तो एलन का ग्रैंडसन है, वो वाला एलन का ग्रैंडसन है, ये इसका बच्चा है परवेज में। अच्छा, इसी का बच्चा है? अच्छा जी। और ये मनोज दत्ता वाले डॉग का बच्चा है, इंपोर्ट का। अच्छा, मनोज दत्ता जी का। वेरी गुड जी, तीनों डॉग शानदार है। एक खुद घर की ब्रीडिंग का बच्चा है, 2 बाहर से आए हुए बच्चे हैं, बड़े शानदार। तब तो इनके बेबी वगैरह स्टड वगैरह सब चल रहे हैं, देख सकते हैं। भैया ने काफ़ी स्टॉक कर रखा जी अपने ही घर में, एक छत के नीचे ही, सब भाई कैनल वगैरह कहते हैं। भाई ने घर में ही इनकी सेवा कर रहे हैं। और अच्छा अनिल भाई, अब ये बता दो आप मुझे कि जैसे आपने खेती से अलग जी इस साइड में गए हो, तो आपको क्या प्रॉफिट आया, क्या मज़ा आया, कैसा क्या लगा? देखिए जी, अगर सही तरीके से हम पाल रहे हैं, जिस तरीके से हम पाल रहे हैं जी, और तो ये मान लो आप 1 लाख रुपए महीना कहीं नहीं जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बिजनेस। और देखो खेती भी कर रहे हैं जी 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 जी, तो इसके साथ साथ अगर डॉग पाल रहे हैं तो डॉगों में भी कुछ आ रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। देखो तो इससे अच्छा बिजनेस मैं तो मानता हूँ, तो अपने घर के घर का है एक तरीके से। अगर सही चल जाए तो डॉग वाले को अमीरी कर देता है डॉग जी। बिल्कुल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया जी, शानदार डॉग है भैया के, देख सकते हो। भैया ने सीधा कह दिया, भाई ने अपने शौक को ही बिजनेस बना दिया और उसी शौक से बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं आज घर बैठे, ना किसी की टेंशन की नौकरी जाना ना कुछ, अपने घर रहना है और इंजॉय करना है जी। देखो जी
अब भाई के एक बार सारे डॉग खोल के दिखाते हैं कितने डॉग भाई ने रख रखे हैं। ये लोग दोस्तों एक ही छत के नीचे ही कितने सारे डॉग देख सकते हैं। लेब्रा जर्मन ब्लैक लेब्रा सारे शानदार किसान भाई के पास एक ही छत के नीचे इससे अधिक हो गई देख सकते हो दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कॉमेंट करते रहो हर चैनल की हर शो की वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जी। नमस्कार भाई।